Ashwin, look, we have discussed our in yesterday we have discussed about topic our trigonometric identities. हमने trigonometric identities देखा बेटा. Then we have discussed the problems related with the problems which we have been discussed about what related with our trigonometric identities there. Look, first of all, आप जब trigonometry solve करते हो, then you are going to face the problems to solve our trigonometry problems. You are going to facing that. तो आप बेटा क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज की आपकी क्या है बेसिक, यू हैव टू रीड ओनली थ्री बेसिक्स आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, एंड वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, देन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा. तो आप उसको पहले तो आपस में जो उनको मैंने जिसे कन्वर्स किया था वैसे आप कॉस को साइन के टर्म्स में, साइन को कॉस के टर्म्स में, टेन को सेक के टर्म्स में, कॉट को कॉसेक के टर्म्स में, देन उनका आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन एंड देन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन. इसके अलावा बेटा अगर आपको आइडेंटिटीज में कमांड चाहिए तो आप एनी वॉट एवर वी हैव ए सिक्स टी रेशियोज आप उसमें एक साइन पकड़ लीजिए, देन साइन थीटा को आप देन यू वॉट वी हैव फाइव रेशियोज, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, उन सारे रेशियोज को आप साइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करिए. आप फिर क्या करिए, कॉस पकड़िए, अदर्स फाइव बचे, आप अदर्स फाइव को कॉस के टर्म्स में आप क्या करिए ट्रांसफॉर्म करिए वहां पे, देन आप क्या करिए फॉर एग्जांपल इसे हम एक एग्जांपल्स लेते हैं फिर इसे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चाहते हैं कि साइन को अपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, ठीक, ये हमारे में फाइव प्लस हुए क्या लेफ्ट कर दिया. नाउ वी हैव अ कॉट थीटा, हमारे पास कॉट थीटा लेफ्ट कर दिया. आपको आइडेंटिटीज पे अच्छे से लगानी है कमांड नहीं, देन आप इस सारे फाइव टी रेशियोज को रिप्रेजेंट करिए कि वो कॉट के टर्म्स में आए. फॉर एग्जांपल टेन तो सीधा हो जाएगा, अब टेन थीटा इज व्हाट वन अपॉन कॉट थीटा. अब आपको साइन थीटा को लिखना है किसके टर्म्स में, कॉट के टर्म्स में. अब आपको बेटा यहाँ पे थिंक करना पड़ेगा कैसे हम करेंगे साइन थीटा को. तो हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन बाई कॉसेक थीटा, ठीक है. कॉट के टर्म में ले जाना है, कॉट के टर्म में ले जाना है, तो आपके पास जो रिलेशनशिप है वो है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. देखिए आइडेंटिटी आपस में आपको ऑटोमेटिक आएगी, वहां पे हमें कॉसेक स्क्वायर चाहिए तब तो कॉट आएगा, लेकिन यहाँ से क्या मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा. अभी क्या हो जाएगा, देन साइन स्क्वायर थीटा, अब क्या था आपका वन बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हमें साइन थीटा को रिप्रेजेंट करना है, देन आवर साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो फर्दर आप लिख सकते हैं वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. देखा बेटा किया हमने, क्या किया व्हाट वी हैव सीन हियर, हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया, वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट आवर साइन थीटा इन द टर्म्स ऑफ कॉट थीटा, आवर साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है. हमने साइन थीटा को उसके टर्म्स में शो कर दिया, अभी क्या करते हैं, नाउ लुक अभी क्या करते हैं, हमने साइन थीटा को टेंस के टर्म में कर दिया, तो अभी नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई दैट कि आप ऐसे ही क्या करेंगे, बाकी सभी टी रेशियोज को आप उसके टर्म्स में ही एक्सप्रेस कर देंगे. एक और कर लेते हैं, जैसे सपोज हमें कॉस थीटा को करना है. अब आप देखिए, नाउ वी वांट टू रिप्रेजेंट कॉस थीटा इन द टर्म्स ऑफ कॉट थीटा. अभी हमने साइन थीटा को कॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया है, कॉस थीटा क्या होता है, आपके पास कॉस था, आपका क्या था, हमारे पास कॉस थीटा था. आपको देखो कॉस को आओ सेक में, सेक को लाओ टेन में, वहां से भी इधर तो साइन रूट में आ रहा था, रूट के अंदर रूट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी. तो आप बस सोचिए यहाँ पे कॉस थीटा क्या था, वन बाई सेक थीटा, ठीक है बेटा. तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या थी आपके पास, इट्स अ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक. ये इधर को कॉस स्क्वायर थीटा चल रहा है, अभी आपको क्या करना है, कॉट के टर्म में लाना है. नाउ वी गेट टेन, देन वन प्लस टेन क्या होता है, वन बाई कॉट स्क्वायर थीटा. अभी इधर को एलसीएम ले लीजिए आप, नाउ व्हाट वी गेट कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका आएगा सॉल्व होके कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस
cot square theta. Then the cos theta is given by under root cot square theta upon 1 plus cot square theta, or we can write down plus minus cos theta, root में है तो plus minus जरूरत नहीं है, upon under root 1 plus cot square theta. ठीक, तो देखा आपने, अभी हमने क्या किया, हम try करते हैं, हमने sin को, हमने tan को cot के term में दिखा दिया, हमने cos को दिखा दिया cot के term में, हमने sin को भी cot के term में दिखा दिया. अब जैसे आप ऐसे practice करेंगे, आप हर जो भी whatever you are going to be do, you have a 60 ratios going to represent any five ratios in the terms of individual ratios there. आप जैसे ये practice करते जाएंगे, आपकी identities पे command हो जाएगी और automatic आप identities के question बेटा solve करते जाओगे. And दूसरी चीज, जब भी आपको trigonometric questions की proving करनी है, there आप left to right, आप left hand side को लीजिए, उससे right hand side को prove कर दीजिए. और जब भी प्रूविंग करिए, अपने माइंड में रखिए कि आपको उधर क्या प्रूव करना चाहिए, क्या क्या चेंज करना है, और आपके पास एबिलिटी क्या है. यू हैव अ थ्री एबिलिटी, कि आपके पास जो आइडेंटिटी फार्मूला है वही अवेलेबल है, उसको आपको यूज़ करना है. देन आप राइट से लेफ्ट को भी प्रूव कर सकते हैं. इसके साथ ही साथ बेटा यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या है, कि आप ऐसा करिए कि आप लेफ्ट को स्टार्ट करिए और सॉल्व करते करते किसी पॉइंट पर लेफ्ट कर दीजिए, फिर राइट वाले पोर्शन को लीजिए, उसको भी सॉल्व करते करते जहाँ पर आपकी लेफ्ट पोर्शन एंड हुई थी वहीं तक उसको भी लाइए. और आपने दिखा दिया कि हम भाई क्वेश्चन वन एंड टू, ए बी के बराबर, बी आपकी सी के बराबर, तो ऑब्वियसली ए और सी भी आपस में इक्वल होंगे, तो आप वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो देयर आर सो मेनी वेज टू प्रूव योर आइडेंटिटीज बेस्ड प्रॉब्लम देयर. लुक, अब हम चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जो बेसिकली बेसिक क्वेश्चन जो भी आपके एनसीईआरटी के हैं वो आप सॉल्व करिए सारे. देयर आर आपके 8.4 में जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं बेटा वो लगा लीजिए. अभी हम थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं जो लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, उनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं. वो फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट वी हैव गिवन द इफ सेक थीटा. हम बोर्ड क्वेश्चंस कुछ लेते हैं जो आपसे आपको नहीं करवाया है, उसको सॉल्व करते हैं. इफ वी हैव गिवन दैट इफ सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x, then we have to be prove that here sec theta plus tan theta, हमें जो प्रूव करना है बेटा ये करना है sec theta plus tan theta या तो 2x होगा या 1/2x होगा. ठीक है, बात समझ आ रही है. What is the problem? We have the problem that if our sec theta is equal to x plus 1/4x, then we have to be prove that. What we have to prove that? We have to prove that the value of sec theta plus tan theta is equal to, क्या प्रूव करना है बेटा, इज अ 2x, उसकी वैल्यू या तो 2x होगी या तो 1/2x होगी. अभी चलिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व, आपके अकॉर्डिंग चलते हैं. मैंने क्या बोला, आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉब्लम है, आपको आइडेंटिटी आपने तीन ही पढ़ी हुई है, sec और sec और tan है, तो अभी तो क्या स्टार्ट कर सकते हैं. पहला क्या होता है रिलेशनशिप, क्या होता है बेटा हमारा sec theta, अब पहली आइडेंटिटी में जाइए, इट्स अंडर रूट, यही होता है ना, अब सेक थीटा इज व्हाट, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. तो हमें सेक थीटा तो यहाँ पर दे रखा था, हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये शो करना है, तो सेक तो यहाँ पे गिवन बेटा, तो हमें टेन कैसे मिलेगा, मीन्स हमें आइडेंटिटी को क्या करें, हम टेन के टर्म में लिखें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, देन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देन टेन थीटा इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी है. हमें क्या करना है, यहाँ से रूट लगा हुआ है बताया, तो प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा, देन प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी है. सेक थीटा की वैल्यू दे रखा है, उसको आप पुट कर दीजिए, मीन्स एक्स प्लस 1/4x होल स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, अभी आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस क्या आएगा, 2 इंटू दैट, आपका x और x कैंसिल हो जाएगा, देन 2 अपॉन 4 होगा, मीन्स आपके पास क्या बचेगा बेटा, प्लस 1/2 देन माइनस 1, देन वी हैव प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर माइनस 1/2.
टेन थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आपका बेटा क्या है, इट्स अ व्हाट, ये आपका माइनस हो जाएगा, इट्स अ एक्स माइनस वन बाई फोर एक्स होल स्क्वायर। अब वेरीफाई कर लीजिएगा, अगर आप यहाँ पे वन बाई एक्स लिखेंगे तब ये एक्स माइनस वन बाई फोर एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेटा हमारी टेन थीटा की वैल्यू, इट्स अ स्क्वायर रूट। नाउ वी गेट फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज व्हाट, प्लस माइनस एक्स माइनस फोर बाई एक्स, ये मिल रहा है बेटा। नाउ वी आर व्हेन टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर बाई एक्स, पहले पॉजिटिव लेते हैं, देन सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, वो था आपका एक्स प्लस वन बाई फोर एक्स और प्लस एक्स माइनस वन बाई फोर एक्स, तो हमें क्या मिल गया, टू एक्स। देन सेकेंड ऑप्शन क्या है, व्हेन आवर टेन थीटा इज व्हाट, माइनस एक्स माइनस वन बाई फोर एक्स, देन हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आएगी बेटा, वो हो जाएगी एक्स प्लस वन बाई फोर एक्स, और प्लस करना इसको तो माइनस एक्स प्लस वन बाई फोर एक्स, तो ये खत्म हो जाएगा आपका, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, देन वन बाई फोर एक्स प्लस वन बाई फोर एक्स टू अपॉन फोर एक्स, एंड देन फाइनली वी गेट वन बाई टू एक्स। तो हमने क्या दिखा दिया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू या तो वन बाई टू एक्स है या तो टू एक्स है, जो कि हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, ठीक है। फिर से रिविजन कर लेते हैं, if we have given sec theta is equal to x plus 1 by 4x, then we have to be prove that the value of sec theta plus tan theta is equal to 2x or 1 by 2x. tan theta दे रखा था plus minus, हमें ये show करना था, then हमने क्या किया, look sec की value दे रखी थी, then हमने start किया किसके साथ, then we are going to start with sec plus tan. तो हमारे पास जो sec और tan के बीच की relationship है वो हमारी identity relationship है, मीन्स जो हमारी रिलेशनशिप है सेक और टेन की वो क्या थी, दैट आवर टेन थीटा इज गिवन बाय प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। हमने वहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू पुट कर दी, एक्स प्लस वन बाई फोर एक्स होल स्क्वायर माइनस वन, एक्सपेंड कर दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू ए बी सॉल्व होकर आपका वन बाई टू आएगा, माइनस वन, वन बाई टू माइनस वन, वी गेट माइनस वन बाई टू। फिर इसको बेटा एक्स का होल स्क्वायर है या वन बाई फोर का होल स्क्वायर है, उसको माइनस 2 इंटू एक्स इंटू फोर एक्स हम लिख सकते थे, मीन्स आपका हो गया क्या, ये हो गया था आपका x माइनस वन बाई फोर एक्स का होल स्क्वायर हो गया। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज व्हाट, प्लस माइनस, और वी गेट प्लस माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वन बाई फोर एक्स होल स्क्वायर। अब वो शो करने के बाद क्या हुआ, देन वी आर गोइंग टू बी गेट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज व्हाट, प्लस माइनस एक्स माइनस फोर एक्स, आपका ये स्क्वायर था स्क्वायर रूट था, देन वी आर गोइंग टू टेक वन पॉजिटिव वैल्यू टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई फोर एक्स, हमने पहले उसको लिया तो हमें क्या मिला, देन वी गेट व्हाट, हमने उसको लिया बेटा, देन व्हाट वी गेट, वी आर गोइंग टू गेट दैट कि हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा को ऐड करने गए तो हमारी जो वैल्यूज थी वो क्या मिली, एक्स प्लस वन बाई फोर एक्स प्लस एक्स माइनस वन बाई फोर एक्स इक्वल टू टू एक्स, देन टेन थीटा इक्वल टू जो हमने सॉल्व किया और वी आर गोइंग टू टेक नेगेटिव वैल्यूज माइनस एक्स वन माइनस फोर एक्स, उसको ऐड किया, देन वन बाई फोर एक्स और वन बाई फोर एक्स ऐड हो गए, एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गए, देन वी हैव टू अपॉन फोर एक्स एंड वी गेट वन अपॉन टू एक्स, ठीक है। तो ऐसे इस तरह के रिटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट लास्ट ईयर बोर्ड प्रॉब्लम लेते हैं, वी हैव गिवन दैट टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, व्हाट वी हैव गिवन टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, हमें टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम दिया हुआ है, ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट ऑल्सो वी हैव गिवन एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू एन, ये गिवेन है, देन वी हैव टू बी शो दैट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर टाइम्स रूट एम एन, ठीक है। वी हैव गिवेन दैट इन द प्रॉब्लम दैट कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू एम दिया है,
Then also is one of the equation that tan theta minus sin theta is equal to n. Then we have to show that m square minus n square is equal to 4 times root mn. ठीक है, तो चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या है हमारा एन, टेन थीटा माइन प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर ले लिया, माइनस टेन थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर ले लिया. ठीक, अभी देखो भाई टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, आप चाहो तो उसको एक्सप्लेन भी कर लो कि यहाँ पे एक दो स्टेप हम सॉल्व भी कर सकते हैं. कैसे, आपको अगर पता हो, अगर अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर लो, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्या मिलना है बेटा आपको, वो क्या मिलता है, फोर टाइम्स ए बी मिलता है. क्या मिलता है बेटा, फोर टाइम्स ए बी. तो हमें यहाँ पे ए हमारा टेन थीटा है, बी हमारा साइन थीटा है, तो क्या मिल जाएगा, फोर टाइम्स ए बी, फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा. ठीक है, अदरवाइज देखो दो तुमने यहाँ पे क्या किया, एलजेब्रिक आइडेंटिटी अगर पता है लर्न है तो हमने यहाँ पे दो स्टेप सॉल्व कर लिए. ठीक है, क्या मिल गया सीधा हमें, अब वी गेट फोर टाइम्स ए इंटू बी मीन्स फोर टाइम्स टेन थीटा इंटू साइन थीटा. ठीक है, बट हमें क्या शो करना है, इट्स फोर टाइम्स इन स्क्वायर रूट ऑफ एम इंटू एन. अभी क्या करते हैं, ये एम इंटू एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, मीन्स टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा. ठीक है, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. टेन क्या होता है बेटा आपका, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा. अभी क्या करो आप, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लो, देन वी गेट वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, देन वी गेट साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. मीन्स व्हाट वी गेट हियर, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा. मीन्स जो हमारी बेटा एन इंटू एन की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा. तो स्क्वायर रूट ऑफ एम एन क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव वैल्यू होते हैं सिर्फ, टेन थीटा इंटू साइन थीटा. मीन्स ये चीज़ हमारा क्या है, इक्वल टू अंडर रूट एम एन, मीन्स फोर टाइम्स रूट एम एन इक्वल टू राइट हैंड साइड. दिस इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड. ठीक है, हो गया बेटा, हमें यही प्रूव करना था ना. तो हमने वी हैव गिवन दैट, हमने स्टार्ट किया वहाँ से कि उसकी वैल्यूज है, हमने वहाँ पे कैंसिल कर दिया फोर टेन थीटा साइन थीटा, या तो मैंने एम इंटू एन करके यहाँ पे ये दिखा दिया. ठीक है, हमारे पास गिवन था एम स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर से स्टार्ट किया और हमने वैल्यू पुट की और हमने दिखा दिया कि जो टेन थीटा साइन थीटा की वैल्यू है फोर टाइम्स रूट एम एन है, यहाँ पर हमने वर्कआउट किया. या आप चाहते तो अगर अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करें, कॉन्फिडेंस है, कमांड आपको आ चुका है, तो आप यहाँ से टेन थीटा इंटू साइन थीटा को भी आप चाहते तो एज यूजुअल ही आप उसको क्या कर लेते, रूट एम एन को प्रूव कर लेते. दिखाएं कैसे, चलिए यहाँ तो मैंने अलग पोर्शन प्राइम एन टू एन निकाल के वहाँ पे चेंज कर दिया, पर आप डायरेक्टली इसको फोर टाइम्स रूट एम एन ला सकते थे, उसको दिखाते हैं कैसे करेंगे. नाउ व्हाट वी हैव, ये स्टेप नहीं करते हैं, आइए नाउ वी आर गोइंग टू प्ले विद आउट ट्रिग्नोमेट्री के साथ प्ले करते हैं. ये फोर है, इसे क्या लिख सकते हैं, ठीक है हो जाएगा, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, वही आएगा सेम टेन थीटा इंटू साइन थीटा. ठीक, किसी कोई डाउट्स है, क्या किया हमने, उसका वो टेन थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर लिया और उसी का स्क्वायर रूट ले लिया. ठीक है, फिर क्या करें अगले स्टेप में, इसको क्या लिख, आप साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर सकते हैं किसमें, ये हमारा टेन स्क्वायर थीटा है, इसको ब्रेक कर दिया साइन स्क्वायर को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में. ठीक, साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर दिया. ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिया,
उसको ब्रेक कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, जो हमारी 10 स्क्वायर थीटा थी वो क्या हो गई, अब इट्स अ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी क्या करते हैं कि साइंस 10 स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बात समझ आई? क्या किया? कहने का मतलब बेटा कि अगर इसको 10 स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको ऐसे लिख दिया, उसको बाद में 10 स्क्वायर थीटा में ही कन्वर्ट कर देंगे, तो ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा सिर्फ हमें? माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बचेगा। तो वही बस आप समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा, जैसे ही 10 स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट वी गेट? वी गेट 10 स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आ गया 10 स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आप इसको एम और एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10 स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 4 टाइम्स, यही था आपका ना? तो आप इस स्टेप से बिना उसको यूज किए भी आप इसको 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एम एन सो कर सकते थे। ठीक, अगर उसको कुछ समझ में नहीं आया होगा इसको ब्रेक करके दिखा देते हैं, तो भी हमको शायद ना हुआ। 10 स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज वॉट? 10 थीटा माइनस साइन थीटा एंड 10 थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, एक आपका उसमें एन है, ये एम है, मीन्स एम इंटू एन इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, तो ये थी हमारी प्रूविंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Now we are going to take our next problem. We have to be here. We have given that if 6x equal to sec theta, and 6 by x equal to 10 theta, 6 by x equal to sec theta and 6 by x equal to 10 theta, then we have to find the value of 9x square minus 1 by x square. Okay. In next question, what we have given that 6x equal to sec theta and 6 by x equal to 10 theta, then we have to find the value of and 9 times x square minus 1 by x square. ठीक, तो first of all देखिए क्या करते हैं, इसी given से हम solve करते हैं। From here we have sec square theta is what? 36x square and 10 square theta is what? 36 by x square. This is our 1, this is our 2. Then what we are going to do that? We have inka difference de dete hain. Then sec square theta minus 10 square theta is equal to 36 x square minus 36 upon x square. ठीक, क्या है बेटा इसकी वैल्यू? 1. Then we get 1, 36 यहाँ से कॉमन कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अभी तो हमारे पास आ रहा है 1 इज इक्वल टू 36 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई स्क्वायर, पर हमें 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी। इधर को 9 चाहिए, 9 कैसे मिलेगा? जब दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर देंगे, और 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 4, देन दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्या वैल्यू आएगी बेटा 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की? 1 बाई 4। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. वी हैव टू शो दैट थ्री टाइम्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टू पावर फोर, थ्री टाइम्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टू पावर फोर, पावर फोर हो गया वाह, प्लस सिक्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, प्लस सिक्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, प्लस फोर टाइम्स साइन टू पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस टू पावर सिक्स थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. हमें यहाँ पे शो करना है कि जो हमारा आइडेंटिटी है, जो भी हमारा ये एक्सप्रेशन है, इट्स वी हैव टू बी शो दैट इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. मतलब कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो हमें ये क्या मिलेगा, वहाँ पे थीटा कंटेन नहीं करेगा. और मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब हमें वहाँ पर थीटा बेटा नहीं मिलने वाला, तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट अ थीटा देयर. तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं. ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का पावर फोर है, तो पहले स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, तो थ्री टाइम्स हमारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और उससे स्क्वायर, ठीक है बेटा, क्योंकि पावर फोर फोर था तो स्क्वायर ओपन किया, स्क्वायर रखा है अभी, प्लस क्या करें, सिक्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ओपन करें कि ना करें, उसको भी ओपन कर लीजिए. देन वी गेट सिक्स टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका ये आ जाएगा, प्लस फोर टाइम्स साइन टू पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस टू पावर सिक्स थीटा. इसको आप ऐसे ही अभी छोड़ दीजिए, ठीक है. अभी बात समझ आ रही है, हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप में क्या किया बेटा, इसको एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है. क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया है हमने, थ्री साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस, उसको एक्सपेंड कर दिया. और जो हमारा फोर टाइम्स, अभी आप क्या कर सकते हैं कि फोर टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा है, उसको भी चाहे तो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्म अगर याद है तो उसमें ओपन कर सकते हैं. क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होता है, याद है किसी को, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. तो आप ऐसा करते हैं, इसी टाइम पे इसको भी ओपन कर लेते हैं कि प्रॉब्लम फिर बाद में सिंप्लीफाई ना करना हो, ठीक है. तो फोर टाइम्स यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारा साइन टू पावर सिक्स था, इसे क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख लेते हैं प्लस कॉस टू पावर कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, ठीक. और उसको उसके अकॉर्डिंग बेटा आप ओपन कर दीजिएगा. देन वी गेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट मिलेगा फोर टाइम्स, और क्या मिलेगा आपको, क्या मिला, ए प्लस बी ए स्क्वायर, मीन्स इसका स्क्वायर क्या आएगा, साइन टू पावर फोर थीटा प्लस कॉस टू पावर फोर थीटा माइनस साइन टू पावर फोर थीटा इंटू कॉस टू पावर फोर थीटा, ठीक है. बात समझ आ रही है, एक्सपेंड कर दिया उसको. इधर क्या करते हैं, अभी इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं थ्री टाइम्स, देखो इसको एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे इसको वन कर लेते हैं, ज़रा आसान हो जाएगा, वन माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, फिर तुम्हारे पास क्या आएगा, वन का स्क्वायर वन आएगा, माइनस ये हो जाएगा फोर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस टू टू ए बी, टू टू क्या हो जाएगा, माइनस फोर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है. और प्लस आपका क्या हो जाएगा, इसको तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन वी गेट फ्रॉम ये स्टेप दिख रहे हैं बेटा, तो हो जाएगी ये आपका वन कर लिया तो प्लस थीटा करने प्लस सिक्स एंड प्लस ट्वेल्व साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. वैसे यहाँ पे ये तो हमारा वन हो गया, वन इंटू दिस तो सिर्फ हमारा ये बचेगा, तो ये आएगा, ठीक है, वन से इसका मल्टीप्लाई जा रहा है, इस पूरा इंटू में था, इसका पूरा पोर्शन इंटू में, तो ये वन हो गया. तो इसी तरह आएगा फोर टाइम्स साइन टू पावर फोर थीटा प्लस फोर टू पावर कॉस फोर थीटा माइनस फोर टू पावर साइन फोर थीटा इंटू कॉस फोर थीटा, ठीक है बेटा. देन अभी क्या करते हैं, ये थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ थ्री आया, थ्री माइनस फोर थ्री ट्वेल्व साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ट्वेल्व साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सिक्स प्लस ट्वेल्व साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 4
4 sine to power 4 theta into plus 4 to power cos 4 theta minus 4 to power sine 4 theta into cos 4 theta. ठीक, यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, ये कैंसिल हो गया इससे, ठीक, 3 और 6 आपका ये टोटल कैंसिल हो गया, 3 और 6 यू गेट 9, ठीक है. एंड अभी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है, 4 थीटा है, साइन टू पावर 4 कॉस टू पावर 4. ठीक है बेटा, अभी आप देखिए तो यहाँ पे भी ना वे गोइंग टू टेक इन टाइम एक्सपेंड करने के बाद क्या होगा, आप इसको फर्दर सॉल्व करिएगा. फर्दर सॉल्व करेंगे सारी जो आपकी टर्म्स आइडेंटिटी वो कट जाएगी. यहाँ पर कोई ना कोई आपको क्या आएगा, अभी फिलहाल 9 आ रहा है, 9 से मिलेगा. वी आर गोइंग टू गेटिंग कोई रियल नंबर से यहाँ मिलेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मिल जाएगा. इसी बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे. ठीक, थैंक्स टू ऑल.